बहुत दिन हो गए आपको दिल छू जाने वाली कहानी सुनाए, तो आज ये कहानी एक कुत्ते पर आधारित है जो नाम और शरीर से तो एक जानवर और कुत्ता है, लेकिन उसके सोचने और समझने की क्षमता अच्छे इंसानों जैसी है। ये कुत्ता खाते पीते घर का है जिसका नाम है बग। कुत्ते का मालिक जो शहर का जज है वो उसे बहुत पसंद करता है। बग जितना समझदार है उतना शरारती भी है। उसके शरारत की वजह से सभी उससे परेशान होते हैं, लेकिन लोग उस कुत्ते की शरारत को नजरअंदाज करते हैं क्योंकि वो इस शहर के एक अच्छे जज का वफादार कुत्ता है। जब बग बाजार से गुजर रहा था तब एक आदमी उसे देखता है और एक कुत्ते के इतने बड़े शरीर से काफी प्रभावित होता है। वो कहता है, इस तरह के कुत्ते की कनाडा में बहुत जरूरत है। बग को बगीचे में एक खरगोश दिखाई देता है। वो उसकी ओर भागता है लेकिन खरगोश बिल में चला जाता है। खरगोश को लगता था वो उसे नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन बग उसके साथ खेलना चाहता था। जज का आज जन्मदिन है और खाने पीने की तैयारियां चल रही हैं। सभी गेस्ट जज के घर आ चुके थे और सभी के साथ एक तस्वीर ली जाती है जिसमें बग भी एक लेग पीस लेकर खड़ा हो जाता है। सभी उसे देखकर समझ जाते हैं कि खाने को अब कुछ नहीं बचा। जज बग की इस हरकत से बहुत नाराज होता है और रात के समय उसे सजा के तौर पर घर से बाहर निकाल देता है। लेकिन उसी रात को वही बाजार वाला आदमी जज के नौकर की मदद से बग को अपनी ओर बुलवाता है और एक घोड़े वाली गाड़ी में खाने की चीज फेंक कर बग को उसी में बंद करके उसे कनाडा के लिए रवाना कर देता है। उस कुत्ते को उस बॉक्स से बाहर निकालते हैं। वो आदमी उसे बैठने के लिए कहता है, लेकिन बग नाम का कुत्ता उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो उसे एक डंडे से बुरी तरह मारता है जिससे मजबूरन कुत्ते को उसकी बात माननी ही पड़ती है। उस जगह सिर्फ वही नहीं कैद था, उसके जैसे काफी कुत्ते उस जगह पर कैद थे जिन्हें बेचने के लिए दूसरे देश में ले जाया जा रहा है। बग मौका देखते ही अपनी रस्सी तोड़कर उस कमरे से बाहर निकलता है तो देखता है कि वो एक पानी के जहाज पर है और वो कनाडा शहर में पहुंच चुका है जहां 8 महीने तक बर्फ पड़ती है और बचे हुए महीनों में भी ठंड ही रहती है। बग को जहाज से नीचे लाया जाता है। बग पहली बार बर्फ में चलता है और बर्फ को गिरते हुए पकड़ने की कोशिश करता है क्योंकि उसने बर्फ को आसमान से गिरते हुए कभी नहीं देखा था। और फिर से उसे भागने का मौका मिल जाता है। वो भागते हुए एक जॉन नाम के आदमी से टकराता है और बग उस आदमी को पहली ही नजर में पसंद कर लेता है उसके अच्छे व्यवहार से। लेकिन बग को फिर से पकड़ लिया जाता है और उसे बाकी कुत्तों के साथ बेचने के लिए रखा जाता है। एक काले आदमी को बग काफी पसंद आता है क्योंकि बग काफी हट्टा कट्टा है और वो बग को खरीद लेता है। उस काले आदमी का नाम है पराउल्ट, जो इस शहर में लेटर्स को पोस्ट करता है। यहाँ 2 पहिए या 4 पहिए वाले वाहन नहीं चल सकते क्योंकि यहाँ हमेशा बर्फ गिरती रहती है। उसे एक कुत्ते की जरूरत थी अपनी गाड़ी के लिए। बग को सबसे पीछे बांध दिया जाता है, लेकिन बग को बर्फ में चलना दौड़ना नहीं आता जिसके कारण वो बार बार फिसलता रहता है। उसकी ये हरकत से सभी परेशान होते हैं, खासकर वो काला कुत्ता जो इस स्लेडिंग गाड़ी का लीडर है। लेकिन बग को वही सफेद कलर का खरगोश दिखाई देता है जिसे देखने के चक्कर में वह अपना दिशा नहीं बदलता, जिसकी वजह से वो सभी नीचे की ओर गिर जाते हैं। रात होती है और अब सोने का समय है। दोनों पति पत्नी एक टेंट में होकर सो जाते हैं, लेकिन बग को बाहर बहुत ठंड लगती है क्योंकि वो कभी भी इतनी ठंड में बाहर नहीं सोया था। वो उनके टेंट में जाता है और कलुआ की औरत को घसीट कर बाहर करके खुद अंदर सोता है। जब ठंड से औरत की आंख खुलती है तो बग को लात मारकर बाहर करती है। बाहर आने के बाद बग को पत्थर पर एक विशाल काला भेड़िया दिखाई देता है। बग उससे डर कर पीछे जाता है जिससे उसके टीम का एक कुत्ता बर्फ से निकलकर बाहर आता है, लेकिन सामने देखने पर वो भेड़िया गायब हो जाता है। अब बग को बिल में सोने की जगह मिल गई है। यहाँ जानवरों को गड्ढा करके जीवन बिताना होता है क्योंकि वो बर्फ से बच तो सकते हैं लेकिन बर्फ के तूफानी ठंडी हवाओं से नहीं। हमें क्षमा करें जो हम आपको पूरी कहानी सुना नहीं पाए। अगर इस वीडियो पर 100 लाइक्स आए तो पार्ट 2 के नाम से पूरी कहानी कल शाम तक आपके फोन में भेज दी जाएगी, इसलिए नोटिफिकेशन ऑल करके रखिए।